31वें सड़क सुरक्षा अभियान का उद्घाटन शनिवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इनके उपस्थिति में किया गया। दुर्घटनाओं की संख्या को देखते हुए दुर्घटनाओं को प्रभावी रूप से टाला जाना चाहिए और नागरिकों के बीच यातायात नियमों को बढ़ावा देना और फैलाना चाहिए। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है। वे वनामती में आयोजित सड़क सुरक्षा सप्ताह के उद्घाटन के दौरान बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में महापौर संदीप जोशी, सांसद विकास महात्मे, विधायक मोहन मते, टेकचंद सावरकर, कृष्णा खोपड़े, कलेक्टर रविंद्र ठाकरे और पुलिस अधीक्षक संजय शिंदे, पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित उपस्थित थे। हर साल देश भर में 5 लाख दुर्घटनाएं होती है। इसमें 1.5 लाख लोग इस दुर्घटना में मारे जाते हैं और 3 लाख लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। इससे GDP का लगभग 2% का नुकसान होता है। शहर के 62% हादसे का शिकार युवा पीढ़ी होती है। यह एक चिंताजनक बात है। 1 लाख एक्सीडेंट होता, 1.5 लाख लोग मृत्यु मुखी पड़ता, 3 लाख लोग 3 लाख लोग हाथ पाय तुटता, 2% जवळपास अपना GDP चं नुकसान या सगळ्याच्यात होता। आणि सगळ्यात वाईट गोष्ट अशी आहे की मरणाऱ्यांच्या संख्येमध्ये 18 ते 35 वयोगटाचे 65% तरुण मुलं आहेत। काल आमच्या धापेवाड्याला नंदनवार म्हणून त्याच्या 18 वर्षाच्या मुलाचा ऍक्सिडेंट झाला आणि तो ऍक्सिडेंटमध्ये मृत्युमुखी पडला। हे अतिशय क्लेशदायक आहे, दुःखदायक आहे। विशेषतः नागपूर शहरामध्ये जानेवारी ते डिसेंबर 2018 1117 अपघात झाले, 237 मृत्यू झाले आणि जखमींची संख्या 1187 होती। त्यानंतर जानेवारी ते डिसेंबरमध्ये अपघात 1007 झाले, मरणाऱ्यांची संख्या 250 आहे आणि जखमींची संख्या 1042 आहे। म्हणजे आज आपल्या नागपूर शहरामध्ये आपण 250 लोक दरवर्षी मृत्युमुखी पडतात। कारण अशा प्रकारे जे जे कोणी याला जबाबदार असतील त्यांची नावं लोकांच्या समोर आली पाहिजे आणि त्यातून नक्कीच संवेदनशीलता आणि अवेअरनेस वाढला पाहिजे। तर मला विनंती आहे की स्पॉट बद्दलचे ठाकरे साहेब आपण सगळ्या संबंधित विभागाला सांगून आणि विशेषतः जिल्ह्यामध्ये SP साहेबांना आपण सांगून त्या त्या ठिकाणी देखील हे सगळे काढून जिल्ह्यातल्या आणि शहरातल्या सगळ्या लोकांना आपण ताबडतोब एजन्सीजला हे ब्लॅक स्पॉट इम्प्रूव्ह करण्याचे आदेश द्या। आता खरं म्हणजे विशेषतः छोट्या छोट्या गोष्टी, हेल्मेट घालण्याबद्दल आता साहेबांनी सांगितलं, पण हेल्मेट घालत नाही, चालत्या मोबाईलवर आपल्या ह्याच्यातून मोबाईल फोनवर बोलण्याची सवय सगळीकडे आहे। तरुण मुलं आणि मुली विशेषतः बाईकवर बसून एका हातात बाईक आणि दुसऱ्याकडे मोबाईलवर बोलतात, त्यामुळे आता याच्यात कडक कारवाई करण्याची पण गरज आहे। आपण आता नवीन मोटर व्हेकल ॲक्ट मंजूर केलेला आहे आणि हा ॲक्ट मंजूर करत असताना आपण सगळ्यांच्या सहकार्याने काही लोकांना दंड करणं ही भावना नाही आहे, पण कायद्याबद्दलचा सन्मान पण नाही आणि भीती नाही अशी जी अवस्था आहे। आणि 1980 साली जे काही फाईन होता तो फाईन आता त्या तुलनेमध्ये आपण वाढवला की लोकांनी ते सिरियसली घ्यावं आणि हा फाईन मिळवणं हे सरकारचं काम नाही आहे। तर लोकांनी कायद्याचा सन्मान करावा ही त्यामागे भावना आहे आणि म्हणून या बाबतीमध्ये नियमाचं लोकांचे प्राण वाचवण्याकरता नवीन मोटर व्हेकल ॲक्टच्या नुसार आवश्यकता ही आहे की त्याच्या नियमाचं पालन करणं काटेकोरपणे अतिशय आवश्यक आहे। बऱ्याचशा लोकांशी माझं बोलणं झालं, ते आता आपले या अभियानात येण्याकरता तयार आहे। मध्ये अक्षय कुमारचं एक ॲड कॅम्पेनिंग चांगलं झालं, ते खूप पॉप्युलर झालं की त्याच्यामुळे लोकांपर्यंत पुष्कळ चांगला मेसेज गेला। पण आपण देशामध्ये तर जे काय काम व्हायचं ते होईल, पण एक गोष्ट आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या सप्ताहाची सुरुवात करत असताना माझं आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की आपण सगळेजण मिळून केवळ ठाकरे साहेबांवर, माझ्यावर किंवा महापौरांवर किंवा आमदारांवर जबाबदारी टाकून चालणार नाही। आपण सगळे मिळून काय आपण या पुढच्या वर्षी जेव्हा आपण या सप्ताहाच्या कार्यक्रमाला भेटू त्यावेळी आपण या अपघाताची संख्या जी आहे ती आम्ही 0 पर्यंत आणण्याचा पूर्णपणे टार्गेट ठेवून प्रयत्न करू असं आपण सगळ्यांनी मिळून ठरवलं तर आपण शेकडो लोकांचे प्राण वाचवू शकतो। तो संकल्प आपण सगळ्यांनी करावा अशी माझी आपल्याला विनंती आहे।
इस समय दुर्घटना सुरक्षा को लेकर उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई गई। गडकरी ने आगे कहा कि जनवरी से दिसंबर 2018 तक जिले में 1117 दुर्घटनाएं, 237 मौतें और 1187 लोग हताहत हुए हैं। लोक निर्माण विभाग को अधिक सतर्क रहना चाहिए और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इनमें ब्लैक स्पॉट, गड्ढे की मरम्मत, सड़क निर्माण, साइन बोर्ड और सूचना बोर्ड, दुभाषियों और पेंट नौकरियों, परिवहन उपकरण की मरम्मत, जेब्रा क्रॉसिंग, यात्री गाइड बोर्ड, सड़क मरम्मत की चेतावनी और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उपाय शामिल है। इससे हादसे कम होने में मदद होगी। नितिन गडकरी ने आशा व्यक्त की है कि तमिलनाडु राज्य का दुर्घटना मुक्त शहर के प्रयासों का अनुकरण करना चाहिए। इस समय कलेक्टर रविंद्र ठाकरे ने नागपुर में सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सुझाव दिया कि इस सप्ताह को लोहे की ओर उन्मुख होना चाहिए और छात्र की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। राजमार्ग पुलिस अधीक्षक संजय शिंदे ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने घायलों की जान बचाने और उनका तुरंत इलाज करने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि यातायात पुलिस को दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण देना चाहिए। पुलिस को वंचित नागरिकों की तुरंत मदद करनी चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह कितना महत्वपूर्ण है कि स्कूल प्रमुखों को सतर्क रहना चाहिए और स्कूलों में दुर्घटना जागरूकता से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को लागू करके स्कूल में सुरक्षा सावधानी बरतनी चाहिए या उनके दिमाग में निहित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस पार्किंग व्यवस्था पर ध्यान नहीं देती है तो यातायात दुर्घटनाओं से बचा जाना चाहिए। हादसे की जानकारी पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लिफलेट्स, सार्वजनिक आक्रोश के कैलेंडर और सूचना पत्रक जारी किए गए। केंद्रीय सड़क सुरक्षा मंत्री नितिन गडकरी और पशुपालन मंत्री सुनील केदार ने भी बाइक रैली और चित्रार्थ को हरी झंडी दिखाई। रेणुका देशकर, कार्यवाहक कलेक्टर रविन्द्र ठाकरे और विनोद जाधव ने सूत्रों का धन्यवाद किया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।